तो दोस्तों वो घड़ी आ गई है मल्होत्रा मोटर्स पर, जिन्होंने जो है कि आपके लिए सबसे सस्ती गाड़ियों का मेला लगा दिया है और 5 कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव को आपके सामने खड़ा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, 5 कंपनियाँ ओला, उबर, HCL, इंडिको, मेरू, मेक माई ट्रिप, सभी के रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने होंगे। आप देखना इस वीडियो में, सभी अपनी कंपनियों के बारे में बताएंगे, अपनी स्कीम्स के बारे में, अपनी अटैचमेंट्स के बारे में। वीडियो ध्यान से देखें। तो पीछे जो आप बैंक्वेट हॉल देख रहे हो दोस्तों, इसके अंदर जो है कि पूरा कॉन्सर्ट का इंतज़ाम है दोस्तों। चाय, कॉफ़ी, नाश्ते पानी का इंतज़ाम है। और मुझे नहीं लगता दोस्तों किसी भी कमर्शियल कार डीलर ने इस तरह का कॉन्सर्ट रखा है ड्राइवर भाइयों के लिए जो इस लाइन में आना चाहते हैं। उनके लिए सारी कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव उनके रूबरू कर दिए। ये सिर्फ मल्होत्रा मोटर्स मोती नगर में ही हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। सारे भाई लोग अंदर आना शुरू हो गए हैं, सारा जो है कि माहौल बन चुका है, सारे अपने अपनी सीटों पे बैठ चुके हैं दोस्तों। तो अब आपको सारी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव अपनी अपनी कंपनी के स्कीम्स आपको बताएंगे। जो भी आपके सवाल हो आप भी इनसे पूछ सकते हैं। तो कॉन्सर्ट शुरू करते हैं। तो भाई लोग कैसा लगा आपको आज का कॉन्सर्ट? बहुत अच्छा। तो आप कहाँ कहाँ से आए थोड़ा बताओ। कालका जी, बदरपुर बॉर्डर, नोएडा सर। मैं तो कानपुर से हूँ लेकिन फिलहाल नागलोई से। मैं भी कानपुर से हूँ बट नोएडा में रहता हूँ। भाई मैं तो मुरादाबाद से आया हूँ। मुरादाबाद से आया जी। गाजियाबाद से आया। गाजियाबाद से। पीरागढ़ी से। पीरागढ़ी से। पीरागढ़ी। पीरागढ़ी से। फरीदाबाद। फरीदाबाद सुबह से चल रहा है। हरियाणा कैथल से। मैं मल्होत्रा मोटर से। थैंक यू मल्होत्रा जी। थैंक यू सर। आपने इतना कुछ किया भाइयों के लिए और इतना बढ़िया आपने कॉन्सर्ट रखा आज और मेला लगा दिया। कोई नहीं सर, थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू इनका। थैंक यू। बहुत गर्व सा है इन्होंने। वाकई में उनमें से एक मैं भी हूँ। अच्छा, इस बात की हकीकत मैं आप सबको बता रहा हूँ। मैं इनके पास से मैंने 3 गाड़ियाँ उठाई थी। उस टाइम पे 50% का वो था लेकिन इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, मैंने इनका भरोसा नहीं तोड़ा। ओके। हमने इनका 70% लोन प्रोवाइड करा और एयरपोर्ट पे जाके इनकी बातचीत भी करवाई और आज पोजीशन ये है कि ये लोगों को काम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक दिन हमने इनको काम दिलवाया, आज ये पोजीशन पे आ गए कि ये 100-150 गाड़ी लोगों की अटैच करके उनको काम प्रोवाइड कर रहे हैं और वेरी डे वन से ही पेमेंट हो जाती है। आपने ट्रिप ख़त्म किया और पेमेंट ले लीजिए, ट्रिप ख़त्म किया और पेमेंट ले लीजिए। कैश कोई उधार नहीं, मतलब कोई उसमें किंतु परंतु है ही नहीं ना जी। कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे, हैंड टू हैंड आपकी पेमेंट हो जाती है, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो उससे जो भी टैक्सी चला रहे हैं उनके लिए कंफर्ट हो जाता है। पैसा आएगा तो सर कंफर्ट होगा ही होगा ना जी। सही बात है, सही बात है। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच सर, ऑल ऑफ यू। दोबारा से एक बार धन्यवाद आपका सबका। बिल्कुल, आप लोग यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच है। आइए। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों में से फ्रेशर कितने हैं और ऑलरेडी लाइन में कितने हैं? मैं फ्रेशर हूँ। आप फ्रेशर हो? अच्छा, मतलब सारे ऑलमोस्ट जो है कि लाइन वाले बंदे ही आए हैं। अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 3 कंपनियाँ आपके सामने थी, तीनों में से सबसे बेस्ट आपको उनकी मतलब कॉन्फिडेंस किस भाई का लगा, किस कंपनी का लगा? 2 कंपनी में 10 लगा मुझे, मेरू का और ये मेरू का इंडिको। दोनों कम बढ़िया, मेरू और इंडिको का, क्योंकि आपको फिक्स इनकम मिलती है। 13-14 में चला रखी गाड़ी मैंने इंडिको। लेकिन इन सबके बाद में मैं एक बात जरूर कहूँगा, वो आपको फिक्स इनकम देते हैं। अब मान लो गुड़गांव उन्होंने छोड़ दिया तो गुड़गांव से घर तो आपको जाना ही है ना, तो उसमें ऑल ओवर चलाएंगे ना। ये बात तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब मैं फिर बता दूं, डूबते को तिनके का सहारा, तो असली साला हो रहा उबल का ही है। ओला से दुखी भी है, ओला से खुश भी है, क्योंकि बिना ओला उबर के टैक्सी ड्राइवर सर्वाइव नहीं कर पाएगा दिल्ली NCR में। मेरी गाड़ी ओला उबर ने आपको यूज किया है, अब आप उसको यूज करो इस तरीके से। अगर ओला उबर नहीं होती तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ टैक्सी ड्राइवर 50% डूब चुके होते बिल्कुल। जिनकी गाड़ियां बड़ी कंपनियों में लगी थी, सारी कंपनियां बंद हो गई, उनको काम किसने दिया? ओला उबर ने दिया और सारी ने काम होता ही नहीं है और हेल्प भी करी, उन सबकी हेल्प भी करी। 22 दिन काम होता है महीने में, लड़के 8 दिन। आप कहीं भी गाड़ी चलाओ बट ओला उबर आपके साथ हमेशा अटैच करके रखो, जिससे आपको कहीं भी फंसे हो आपको ड्यूटी मिलेगी, आप आ सकते हो।
ये बहुत जरूरी है अब तो इंटरसिटी में भी कहीं आप दूर अगर एक सिंगल इंटरसिटी में ओला का बहुत अच्छा काम है जो इंटरसिटी चलाते हैं वो बहुत खुश है। हमारे यहां से कहने का मतलब ये सारी कंपनियों का अपना अपना वो है। अच्छा सर ऐसा तो नहीं है ये सर हमारे मेरे से हेलो सर सर ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई बंदा मेक माई ट्रिप में अटैचमेंट है ओला उबर में अटैच किया हुआ है तो कोई आपकी कंपनियों की प्रॉब्लम तो नहीं है उससे? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कोई इशू नहीं है किसी भी कंपनी में कोई नहीं है कोई जुड़े ऐसा कोई नहीं। हाँ बस ये है कि जैसे अपना काम जो है मेरा जो मानना है मेरी अपनी भी गाड़ियां हैं मैं भी पहले आप लोगों की तरह गुड़गांव में ही लोकल कंपनियों में काम करना पसंद करता था। ओके उसके बाद मेरे को आउट स्टेशन का लगा चस्का नशा है ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। लोकल में पुलिस की भड़क कैमरों की भड़क ठीक है बाहर आउट स्टेशन में ना ट्रैफिक की भड़क हाईवे जाना है हाईवे आना है आपको यहाँ पर पूरा दिन एक बार दिल्ली में थोड़ी सी जगह जाम लग जाए एक घंटा ऐसे ही चला जाएगा पता नहीं चलता आप लोगों को। देहरादून का 80 की स्पीड की गाड़ी का 5.5 घंटे का रास्ता है अगर यहाँ 6 बजे चले आप 12:30-1 बजे तक देहरादून बीच में आधे घंटा खाने का ब्रेक लगा के 2 जगह CNG भरवा के ये सब टाइम 5.5 घंटे में इंक्लूडिंग है इतने मलाई रोड है ना गजब और वहाँ से तुरंत आपको रिटर्न मिल जाता है। देहरादून एक ऐसा रूट है जहाँ पे कभी काम बंद नहीं होता कभी भी चाहे कुछ हो जाए काम बंद नहीं होगा उस रूट का। देहरादून जयपुर चंडीगढ़ ये 3-4 रूट ऐसे इनका काम बंद नहीं होगा। अब न्यू ईयर आ रहा है सबसे मैं जितने भी अपने भाई हैं यहाँ पे इन्हें पता अब कंपनियों में बवाल मचने वाला है कुछ रेट भी कम करेंगे लेकिन मेरू क्या है मेरू अपने ड्राइवर को अहमियत देता है वो देखना अब रेट उनका क्या होगा। इन भाई साहब ने हमसे 2021 मॉडल गाड़ी ली है डिजायर। ओके तो अभी इनकी डिलीवरी आज इनको हम गाड़ी दे रहे हैं। ये मैरू कंपनी से है इंडिगो एयरलाइन से नवीन जी है आपने मिलना है ना आप थोड़ा सा लेट हो गए पर सब अभी अवेलेबल है यहाँ पे आपकी गाड़ी हैंड टू हैंड अटैच करके देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अभी आपका कोई सवाल हो आप इनसे कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे पास अभी एक ड्राइवर है मेरे साथ ही आए हैं ये रे आ जाओ ये बंदा अभी आउट स्टेशन में नया आया है तीन ड्यूटी की है मात्र तीन ड्यूटी में कितना पैसा आपकी जेब में आगे बताओ मेरे में 15,000 रुपये समथिंग आ रहा है तीन ड्यूटी में तीन कौन कौन से कहाँ का थे एक देहरादून देहरादून से रिटर्न और एक वहाँ पे अलीगढ़। तो आप हैप्पी हो? हाँ खुश हूँ। गाड़ी कौन सी आपके पास? अर्टिगा। अर्टिगा है वेरी गुड। CNG डीजल? CNG वाली। ये सिर्फ तीन ड्यूटी का रिजल्ट है भाई। अगर हम पवन जी से गाड़ी ले रहे हैं ये यहीं से ली गई गाड़ी है ये इनकी किस्त है करीब 18-19,000 रुपये किस्त है मंथली। अगर इस हिसाब से भाई ने 10 दिन काम कराया 10 दिन ने खूब नशा भी कर लिया कुछ भी कर लिया 10 दिन में किस्त पूरी 10 दिन में घर का खर्चा पूरा 10 दिन बाद आप पैसे इकट्ठे कर ही लोगे। अगर 5 दिन भी आपने काम कराया ज़्यादा नहीं आपने 15-1,000 रुपये 5 दिन में काम करके इकट्ठे कर लिया अगले 6 महीने में दूसरी गाड़ी निकलवा सकते हो आप गलत तो नहीं है हो जाएगा आपके पास इतना बस नियत चाहिए इस लाइन में काम कर लेंगे। थैंक यू सर आपका भी आपने भी अपना कीमती समय निकाला है। वो तो मल्होत्रा जी बुलाएंगे तो आना पड़ेगा आना पड़ेगा क्या बात है। ओला उबर में चलाने के लिए जैसे कहते हैं कि भाई लोग कह रहे हैं 2,000 का काम है 2,500 का आप कहते हो 3,500-4,000 का काम है वो 3,500-4,000 का काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये बताओ थोड़ा सा पॉइंट बता दो। ये करना है एक भी ड्यूटी कैंसिल नहीं करनी है। ड्राइवर्स क्या करते हैं ड्यूटियाँ आई पास करने में लगे रहते हैं जब आप ड्यूटियाँ पास करोगे तो कैसे काम आएगा ही नहीं आपके पास सीधी सी बात यह है। आप हर एक ड्यूटी उठाओ 3,500 का अगर 14-15 घंटे में काम ना हो तो सियोरिटी है। सर हमारे यहाँ हमारे एक कस्टमर हैं उनकी गाड़ी का नंबर है DL1ZA4765 उन्होंने 3 मंथ में 31,000 रुपये का इंसेंटिव लिया है ओला उबर से सिर्फ 5 स्टार ड्यूटी थी उनकी कभी उन्होंने ड्यूटी मिस नहीं करी जो उन्होंने डेली अर्निंग की वो तो की पर 31,000 उन्होंने ओला उबर से इंसेंटिव लिया है तो ये भी एक अच्छी बात है। इसी चीज़ का है कि आप ड्यूटियाँ पास ना करोगे काम उसी बंदे पे ज़्यादा आएगा जो ड्यूटी पास नहीं करेगा सीधी सी बात है। तो नवीन जी आपका इंतज़ार था नहीं सॉरी बोलने की जरूरत है सर आप अच्छा काम कर रहे हो ड्राइवर भाइयों को अटैच कर रहे हो अपनी कंपनी के अंदर तो हमने सुना कुछ नया आने वाला है कंपनी जी अभी हमारे पास इंडिगो कैप्टन का काम आने वाला है। कैप्टन मींस जो इंडिगो कैप्टन जहाँ चलाते हैं पायलट पायलट इंडिगो का नया काम आने वाला है ठीक है तो एयरपोर्ट से ही काम होगा उसका भी उसमें भी आपको जैसे मैंने बताया गया है महीने का 50,000-60,000 रुपये तक का काम हम आपको देंगे ठीक है और वही टोल टैक्स सब कुछ आपका फॉर्म रिम्बर्समेंट करके देंगे कोई नहीं चार्ज काटेंगे
सीएनजी वगैरह हम सब कुछ आपको देंगे, काम की गारंटी हमारी है, गाड़ी की गारंटी सर की है। क्या बात है, गाड़ी की, पेपर की, लोन की, सब कुछ, फाइनेंस की गारंटी, हर चीज की गारंटी है लोत्रा मोटर्स की। कोई भी परेशानी दिक्कत हो हमारे पास आए, कुछ मेरा मेपालपुर में ऑफिस है, आप आके संपर्क करिए, वैसे कोई इशू नहीं है, आप गाड़ी अटैच रहिए, और गाड़ी अटैच करने का कोई चार्ज नहीं है। सबसे पहली बात, जैसे आपसे ओला उबर लेती है, आपसे हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। हैंड टू हैंड अटैचमेंट हो जाए? हाँ जी हाँ जी, गाड़ी के पेपर लाइए, आपके अटैचमेंट कर लेंगे गाड़ी, और आपको, आप गाड़ी चलाइए, दो से तीन दिन में आपको सीएनजी का कार्ड दे देंगे हम आपको, जिससे आपकी डेली का दिक्कत ना आए सीएनजी डलवाने में, क्योंकि इशू आता ना भाई 500-600 रेंज करने में सीएनजी निकालने, ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको कार्ड दे देंगे, वो एटीएम है, लाइक एटीएम है, आईजीएल के पूरे हर जगह है, दिल्ली एनसीआर में, दुनिया भर के हैं, कहीं भी स्वैप करवाओ, और जितने की सपोज आप महीने में 12,100 रुपये की लेंगे तो 12,100 ही कटेंगे, 100 की नहीं कटेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे हम आपसे। अच्छा, वो भी एडवांस में है? यस, और कोई क्रेडिट है? क्रेडिट है वो, एक तरीके वो आप लोगों को क्रेडिट है, समझ लो 30-40% आपकी पेमेंट पहले ही मिल गया आपको। वो कार्ड आप हैंड टू हैंड दे देते हैं? हाँ जी, मतलब अटैच करने के 2-3 दिन बाद दे देंगे, 1-2 दिन तो चलाएंगे ना, तो उसका जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल महीने बाद आता है, तो क्रेडिट कार्ड लाइक वो आईजीएल कार्ड है, मतलब है नहीं, सैंपल नहीं दिखाता आपको, दिस इज डेबिट कार्ड है ना, इनका एक डेबिट कार्ड है, उसमें आपने जितने उसमें से पैसे यूज कर लिए, एंड ऑफ द मंथ आपके अकाउंट में से लेस हो जाएंगे, ओनली आईजीएल सीएनजी पंप, और सब उसकी, अगर आपको कोई लगता है कि भाई हमारे हमने ये वाला सीएनजी लिया, उसका हम आपको प्रिंट आउट भी देंगे, वो कंप्यूटर जनरेट होता है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, जितने कार्ड थे आपने जहाँ स्वैप करवाया होगा, अगर आपके ड्राइवर ने स्वैप कराया होगा, कहीं भी स्वैप कराया होगा, वो डिटेल आती है प्रॉपर, कि इस पंप ने स्वैप करवाया, इस टाइम पे इस जगह पे इतना अमाउंट स्वैप हुआ है, प्रॉपर डिटेल होती है इसमें, कोई इसमें टेंशन वाली काम नहीं है। इंडिगो एयरलाइन में जाने से आपका टोल टैक्स MCD. जितना भी MCD और टूल टैक्स है, ये आपके लिए फ्री है, फ्री है, समझ लो आपके लिए फ्री है, ये तो इंडिगो एयरलाइन गवर्नमेंट बन गई, इनकी गाड़ी जा रही है, पे कंपनी कर रही है उनको, पर आपके लिए फ्री है ना, आपके कोई चार्जेस नहीं है, नहीं तो बहुत मोटा है, मतलब 400 का ट्रिप है तो 100 रुपये चले जाए तो एक बिग अमाउंट है ना, 100 रुपये 25% चले जाते हैं, तो वो आपके लिए फ्री है, टूल टैक्स और MCD टूल बिल्कुल फ्री, पार्किंग भी आपकी फ्री है, कोई पार्किंग चार्ज नहीं है, जैसे आप अगर ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं तो 150 रुपये तो आपको पार्किंग चार्ज देना होता होगा, सबको पता होगा, अगर एयरपोर्ट अराइवल डिपार्चर पर जाओगे तो वो फ्री है आपका। बट मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपको CNG 1 month के लिए क्रेडिट पे मिल रही है, और उसका भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप कहीं सी कंपनी में अटैच करेंगे 5% इंटरेस्ट लेती है, अगर एडवांस ही मांगते हैं तो हम कोई इंटरेस्ट नहीं लेते किसी प्रकार का। वाओ, तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है कार सरदार चैनल में, मैं आपका होस्ट गोल्डी सिंह लेके आया हूँ एक बार फिर से, कहाँ पे यार, दिख तो आपको राव का चकाचक एक है बैंकेट हॉल, लेकिन हम आए हैं मल्होत्रा मोटर्स पे, जो कि आज 13 तरीके इन्होंने कॉन्सर्ट रखा था। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, नमस्ते जी, ऑल ऑफ यू वेलकम सर, वेलकम, क्या गोल्डी पाजी। तो आज का कॉन्सर्ट में क्या होने वाला है जी? सर आज के कॉन्सर्ट में हमने सारी गाड़ियाँ सेल पे लगाई हैं, ये बिग सेल है। हाँ जी, ईयर एंड की बिग सेल है, पूरा मंथ चलेगी, पूरा दिसंबर ऑफ द मंथ चलेगी ये सेल, और बड़े लो प्राइस पे गाड़ियां दे रहे हैं हम आपको। अच्छा जी, बहुत लो प्राइस पे, जो मार्केट प्राइस होगा आप कहीं भी ट्राई कर लीजिए, उस प्राइस और इस प्राइस में बहुत डिफरेंस आने वाला है, आप एक बार ऑफिस आइए, ट्राई कीजिए, और लोन हम आपको दे ही रहे हैं, फाइनेंस फैसिलिटी ऑल टाइम, 50% लोन, 50% कैश, अभी आओ अभी ले जाओ, 1 मिनट में लोन दे रहे हैं आपको, बिना इनकम प्रूफ के, नो इनकम प्रूफ, नो सिविल, आइए और ले जाइए, आइए और ले जाइए, आइए और ले जाइए। आज तो मैंने सुना है आपने मेरू, इंडिगो, HCL सारी कंपनियां खड़ी कर दी आज आपने। सारी कंपनियां सर ऑलरेडी पहले से ही हम लोगों से जुड़े हुए हैं, आज हमने एक इवेंट रखा, एक तो बिग सेल हो गई ईयर एंड की, और उसके बाद मैं चलो सब पब्लिक से इंट्रोड्यूस करा देते हैं जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, आज हमने इंडिगो एयरलाइन, मैरू, HCL, मेक माई ट्रिप सारे लोगों को इनवाइट किया, और अपने सारे व्यूवर्स तो रूबरू उनसे बात कराई, आमने सामने बैठ के उन लोगों ने अपनी डिस्कशंस की, जो भी उनके मन में सवाल थे उनके जवाब मिले उनको, तो इस तरह से हमारे कस्टमर बड़े हैप्पी और सेटिस्फाई हो गए, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अगर हम उनके लिए कुछ कर पाते हैं तो। क्या बात है जी सर। तो भाई मल्होत्रा मोटर्स का बहुत बड़ा नाम है कमर्शियल व्हीकल्स में, और पिछले काफ़ी सालों से, आई थिंक 30 साल हो गए जी, 32-33 साल हो गए सर, 32-33 सालों से, 30 साल से तो हमारे नारायण जी हैं। वाह जी वाह, बिल्कुल ठीक बात है, 30 साल से हमारे नारायण जी हैं, उससे पहले का ये बिजनेस चल रहा जी, तो इतना साल पुराना ये बिजनेस है, इसीलिए यहाँ पे कोई जो है कि कहते हैं ना कि कोई मतलब पेपरों की कोई टेंशन नहीं, सारे फंडे क्लियर है, मतलब कोई भी कंपनी में अटैच करना हो, लोन हो, कोई भी अटैचमेंट हो, पेपर हो, परमिट हो, कोई ऐसी बात ही नहीं, सारे फंडे क्लियर है बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस सिखाता है।
तो शुरू करें जी कॉन्सर्ट। हाँ जी बिल्कुल सर, आइए। क्या बात है, चलो जी। आए हुए सब भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं पवन मल्होत्रा, मल्होत्रा मोटर से आप सबका स्वागत करते हैं। आज हमारे इवेंट पे आप लोग आए, मल्होत्रा मोटर पे आप लोगों ने ट्रस्ट दिखाया, मल्होत्रा मोटर की बिग सेल शॉप पे आप आए, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद है। हमारे साथ इंडिगो एयरलाइन से नवीन जी, मेरू मेक माय ट्रिप से अजय चौधरी जी, ओला उबर से मनोज जी, आपका कोई भी सवाल, किसी भी तरह का सवाल इन कंपनियों से रिलेटेड हो तो आप इनसे बात कर सकते हैं, और ये आपको काम भी प्रोवाइड करते हैं, टैक्सी हम प्रोवाइड करते हैं, काम ये हमारे को पार्टनर्स हैं, ये आपको काम प्रोवाइड करते हैं। आपको फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई भी इन कंपनियों से काम हो तो आप इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं एनी टाइम एनी डे। तो आप में से किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन हो आप उनसे पूछ सकते हैं। गाड़ी अटैचमेंट से रिलेटेड, खरीदने से रिलेटेड आप वैसे बात कर सकते हैं, अटैचमेंट के रिलेटेड, काम से रिलेटेड आप उनसे बात कर सकते हैं। और मैं अभी अजय जी को देता हूँ, मनोज जी ओला उबर से आपको बताएंगे कि इस समय ओला उबर की क्या स्कीम्स चल रही है, इन फ्यूचर क्या चलने वाली है। तो मनोज जी सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। हेलो, कैसे हैं सब आप लोग? कुछ लोग ओला उबर से दुखी भी हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश भी हैं, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म में जब हम काम करते हैं तो हमारे अनुसार काम नहीं होता, कंपनी अपने अनुसार चलती है, कभी इंसेंटिव ज्यादा भी मिलता है, कभी कम भी मिलता है। आजकल आइडिया है वो नहीं है, बहुत बड़ी समस्या चल रही है, ये अब सॉर्ट आउट हो चुकी है। अगले महीने से सारे ड्राइवरों के जो भी अकाउंट हैक हुए हैं, जो भी आइडिया रिजेक्ट हुई है, वो सारी ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी, और फिर काम पे काफी सारा असर आने वाला है, काफी सारे अब इंसेंटिव प्लान आने वाले हैं कंपनी के बहुत अच्छे। और अगर किसी को कोई भी समस्या आप बताओ कि मुझे ये दिक्कत है, ओला उबर में, अगर ओला उबर में आप गाड़ी चला रहे हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप दिल्ली के किसी भी कोने में है, दिल्ली एनसीआर के, आपको तुरंत ही तुरंत राइड मिल जाती है ओला से। अगर आप एससीएल से जुड़ते हैं या मेरू से जुड़ते हैं, अगर आप वहां काम कर रहे हैं, वहां पे रोस्टर्स आपको मिलते हैं, उसके साथ साथ आप ओला उबर भी चला सकते हैं, क्योंकि बिना ओला उबर के आप काम नहीं कर सकते दिल्ली एनसीआर में। अगर आप टैक्सी चला रहे हैं तो आप भी जानते हैं इस बात को, आप गूगल मैप पे जाइए, ओला ऑफिस गूगल पर डालेंगे, सीधे आपको ऑफिस की लोकेशन आ जाएगी। कुछ भी क्वेरी हो आप जब मर्जी आओ, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वहां मैं अवेलेबल रहता हूँ। ये थे हमारे मनोज जी, ओला उबर के एग्जीक्यूटिव, हमारे पार्टनर। अब आपकी अजय जी से बात करते हैं, जो मेरू में है और मेक माई ट्रिप में है, इंडिगो में है, वो सारी आपकी सारी जो भी क्वेश्चन है वो सारे हल कराइए। सबसे पहले धन्यवाद सभी भाइयों का, राम राम, प्यार भरा नमस्कार। आज के टाइम ड्राइवरों की सबसे बड़ी दिक्कत है आउट स्टेशन और कंपनियों के रेट। मेरे हिसाब से आज के टाइम मैं करीब 3-4 कंपनी वेंडर से रहते पास, लेकिन जो सबसे बेस्ट काम लगता है क्वालिटी वाइज भी, सर्विस वाइज भी, और मेन बात है कस्टमर, वो है मेरू। मेरू के पास एक बढ़िया कस्टमर है, अच्छी पकड़ आउट स्टेशन में भी, लोकल में भी। जैसे कई अपना एयरपोर्ट का काम है, कई बार अपने हर तरीके की मदद है। मेक माई ट्रिप में वो क्या चीज़ है, मेक माई ट्रिप में अगर ड्राइवर की इच्छा नहीं है, कोई इमरजेंसी में हमने छुट्टी करनी पड़ेगी, या ड्यूटी पे एंड टाइम पे हमारी कैब ब्रेक डाउन होगी, तो उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरू स्टील में हमें राहत देती है, सबसे बड़ी बात है मेरू कस्टमर अच्छा देता है। आउट स्टेशन में सबसे मेन बात है अदर स्टेट का टोल एंड टैक्स रेट। सेडान कैब का कम से कम रेट मेरू देता है 13 रुपये पर किलोमीटर, बहुत बड़ी बात आज के टाइम। और ये बात नहीं कि हर कंपनी आज के टाइम पर कोई भी अपना नाम बनाने के लिए वन वे का ही काम देती है, लेकिन मेरू ये दावा करता है 99% आपको रिटर्न की ड्यूटी देता है।
मेक माई ट्रिप का भी अच्छा काम है, कस्टमर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मेयो कर सकता है वो मेक माई ट्रिप नहीं कर सकता। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेयो बहुत ही अच्छी कंपनी है ड्राइवरों के लिए, और आज के लिए ये सब नई कंपनियाँ आ गई। आज से मेयो बहुत पुराना ट्रक है, कैब की लाइन है। एयरपोर्ट का भी काम है, जिस भाई के पास DL-190 गाड़ी है, मेयो 2200 रुपये पर किलोमीटर रेट दे रहा है, उसमें कमीशन सिर्फ 12% है। अगर किसी भाई को अभी गाड़ी एयरपोर्ट पर टैक्स करवानी हो तो आप बता सकते हैं। मेयो दावा करता है, ऐसी बात नहीं है, आपको अच्छा काम देता है। कहीं भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो किसी भी कंपनी के बारे में, MMT मेयो। मैं इन दोनों कंपनियों का काम करता हूँ, और करीब करीब दिन का अकेला बंदा मैं 30 से 35 ड्यूटियाँ उठाता हूँ इन दोनों कंपनी में। अच्छा काम है, अच्छी पकड़ है। आप किसी भाई को गाड़ी अटैच करवानी हो, रेट भी अच्छा है, मजा आएगा काम करके, ट्राई करो, ऐसा भी अच्छा है। थैंक यू। अब हमारे बीच नवीन जी इंडिगो के वेंडर हैं, इंडिगो एयरलाइंस से, आपको अपनी कंपनी के बारे में डिटेल बताएंगे जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी भाइयों को जो यहाँ पर अपने कीमती समय देके आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा हम इंडिगो के लिए काम करते हैं, इंडिगो ग्राउंड स्टाफ और कैप्टन क्रू के होम पिकअप एंड ड्रॉप का हमारी गाड़ियाँ असाइन होती है, जो कि एयरपोर्ट से उनको घर ले जाना और घर से एयरपोर्ट छोड़ना हमारी कंपनी प्रोवाइड कराती है ट्रांसपोर्टेशन को। हमारा ऑफिस में बॉम्बे में है, हेड ऑफिस दिल्ली में उसकी ब्रांच है, और हैदराबाद और बेंगलोर में भी बिजनेस है, ठीक है। और हम आपको मंथली मिनिमम 50 से 60 हज़ार रुपये का काम देंगे, जिसमें आपको फिक्स बिलिंग रहेगी, आपके जहाँ भी आप लोकेशन रहते हैं वहाँ से आने जाने का पिकअप ड्रॉप करेगा। लाइक कोई दिल्ली ऐसा में रहता है, कहीं भी रहता है, दिल्ली गाजियाबाद नोएडा, तो उसमें हम वहीं से पिकअप ड्रॉप आने जाने का देंगे, और एयरपोर्ट छोड़ना और घर से ले आना। और इसमें हम एक आपको फैसिलिटी और देंगे कि आपके टोल एंड सिटी टैक्स जो लगते हैं चार्जेबल, वो हम सब आपको रिइंबर्समेंट करके देंगे। आपका कोई टोल टैक्स का पैसा नहीं लगेगा, वो हमारी कंपनी पे करेगी। और हम आपको मंथली आपके कार इशू कर देंगे, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है CNG की, तो हम CNG में प्रोवाइड करवाएंगे। आपको एक कार दे दिया जाएगा IHL का, आप लोगों को पता होगा, हम आपको कार प्रोवाइड करा देंगे, उसमें आपकी जो भी आप डेली बेसिस पर यूज़ करेंगे CNG यूज़ करो। और मंथली सपोज आपकी 60,000-70,000 की बिलिंग बनी, तो हम आपका सपोज आपने 10,000-15,000 की CNG ली, वो हम आपका आपके पेमेंट 1% प्रीवियस काटते हैं, वो भी आप अपना बैंक से आर टी आर फाइल करके अपना रिइंबर्समेंट ले सकते हैं। हम आपको काम की श्योरिटी देंगे महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये की। अगर आप 24 घंटे गाड़ी चलाते हैं तो 70 से 80 हज़ार का भी आप काम कर सकते हैं। और आपको दिल्ली NCR का हमारा काम रहेगा, सिंगल पिकअप ड्रॉप होते हैं, कैप्टन को घर से लाना और घर तक छोड़ना, यही काम होता है हमारा एयरपोर्ट पे। और आपका पार्किंग चार्जेस फ्री हम देंगे, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा पार्किंग का। टोल टैक्स, MCD, UP टैक्स, HR टैक्स, जो भी टैक्स है वो हम आपको रिइंबर्समेंट करके देंगे, हम आपको खुद से करवा के दे देंगे, 1 तारीख को आपको मिल जाया करेंगे। और भी कुछ पूछना है? जैसा कि बाकी तो आप मल्होत्रा मोटर्स की पहले से वीडियो देखते ही हैं, व्यूअर्स को काफ़ी कुछ हमारे बारे में मालूम है, फिर भी मैं दोबारा से एक बार रिपीट हम लोग बताते हैं, हम कैसे आपको गाड़ी प्रोवाइड करते हैं, कैसे हम आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। देखिए अभी आज हमारे यहाँ से कस्टमर आए हुए हैं, उन नाव से आए हुए हैं, कानपुर से आए हुए हैं, अभी ये मॉर्निंग में 11-12 बजे हमारे पास आए, इन्होंने हमारे से कार सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद प्राइस सेटल किया, लोन के लिए अपने पेपर दिखाए इन्होंने, हमने विद इन मिनट इनका लोन सेंक्शन कर दिया और इनको गाड़ी हैंड टू हैंड डिलीवर कर दी डाउन पेमेंट लेके के। हमें कोई इनकम प्रूफ नहीं चाहिए, आपका सिविल से हमारा कोई मतलब नहीं है, सिविल हम आप लोगों का सिविल हम बनाएंगे, जिनका सिविल खराब हो चुका है आप हमें आगे फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम देते रहेंगे, आपका सिविल अप टू डेट होता जाएगा डे बाई डे, आपका सिविल जब बिल्कुल अप टू डेट हो जाएगा तो आप 1, कल 2, 2 से 4, 4 से 40,
हो सकता है कल आप या नवीन जी के यहाँ बैठे हो 500 गाड़ियां इंडिगो में आप भी अटैच कर रहे हो, क्योंकि सब लोग प्रोसीजर यही है, कहीं से भी आप शुरुआत करते हैं डे वन से शुरुआत होती है, जब आप पहली कार लेते हैं फिर दूसरी लेते हैं फिर तीसरी लेते हैं, सब लोग इसी तरह से काम करते हैं। और 50% हम लोग लोन करते हैं, दिल्ली हरियाणा यूपी राजस्थान कहीं से भी हमारे कस्टमर आते हैं हम सबको 50% लोन प्रोवाइड करते हैं गोल्डी पाजी के थ्रू, हमारी बार बार वीडियोस आती हैं, सरदार जी की बड़ी कृपा है हमारे पे जो हमारे साथ मिलके चलते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, आज इन्होंने बहुत कीमती समय निकाला, थैंक यू जी, थैंक यू हमारे व्यूअर्स के लिए और हमारे लिए। तो अगर मेरे से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, हम तो आपके पास हर समय अवेलेबल है, और जो हमारी टीम है नवीन जी अजय जी मनोज जी, अगर इनसे आप कोई डिस्कस करना चाहते हो अभी चाय ना चाय पानी नाश्ते में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आए हुए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, कि मेरे हिसाब से दोस्तों पूरे इंडिया में ड्राइवर्स के लिए किसी ने भी इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं रखा कि पूरी कंपनियों को ही आपके सामने खड़ा कर दिया एक एक रिप्रेजेंटेटिव, कि आप खुद ही बात कर लो कि किस तरह से उनकी पेमेंट मोड है, किस तरह से उनका अटैचमेंट मोड है। तो ये जो है कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मल्होत्रा मोटर्स की, जो कि आज 13 दिसंबर 2021 को जो है कि स्टार्ट किया, और हम इन बात कर रहे थे कि ऐसे जो है कि कॉन्सेप्ट ये आगे भी जो है कि लाने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है कि जो जो भी भाई आए और जिसने भी ये वीडियो देखी तो उसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप इतना प्यार देते हो हमारे चैनल को, इसी तरह से प्यार सत्कार देते रहो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए नगीने ढूंढ के लाते हैं नगीने। सत श्री अकाल।